अस्मु काका, अभी हम पद सुनेंगे। दीपका जी आई सॉन्ग यू, इट्स 20। दीपका जी आई सेंड यू पद, कौन सा है? सी जी मोनिका? 1053? नहीं नो, नहीं, दैट्स ओल्ड। वो तो यस्टरडे का। आई आज सेंड का यू टू क्या यू। है? ओ आई आई डिडंट सेंड यू, सॉरी नहीं। I'm sorry, sorry, sorry. बोलिए क्या? गा नहीं, जस्ट टेल टेल मी व्हाट इज द नंबर। गा गा दादानु यहाँ पर व्हाट इज द पॉइंट? 22024। ओके, जय सच्ची दानु। जय श्री राम। ओके, कम हेलो, हु इज गोइंग टू सिंग? जय सच्चिदानंद। दादा की दादा दी निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। गागा के दादा दी निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। मानव के भव में ही मुक्ति का पद मिले, दुखरी सब गतियों में कर्मों फल जीवन में जी मीट शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। गागा के दादा दी निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। जीवन मूल है तू, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा बाई प्रोडक्शन थी। जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव फैटाभ्यास, सुख आकांक्षा गुण है, उद्गल डिसमिस कर दो। गागा के दादा की निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। कुछ बातें याद आई दिल मजबूत कर लेना, तू आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना, अपना आत्मा साई पानी जग आसाई, टेम्पररी सब गुल परमानेंट सिद्ध कर दो। गागा ने दादा की
निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। जय सच्चिदानंद। कैसे सिलेक्ट किया ये पद? इस पद में दो तीन लाइन है, उसका मीनिंग जानना था। ओके, विच वन? मान उसके बनो, खुद को ही खुदा कर दो, उसका मीनिंग क्या है? हाँ, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। ये वाला ओके। शुभकरण जी, हाँ, उसके शुरुआत से करते हैं कि मानव के भाव में ही मुक्ति का पथ मिले, दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले। वो तो मालूम पड़े ऐसा है ना कि सिर्फ मानव भाव में ऐसे ही समग्र जाति में सिर्फ मनुष्य का भाव ही ऐसा है जिसमें आपको मुक्ति का मतलब मुक्त होने का चांस मिलता है। दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले, बाकी जो भी गति है, चाहे देवलोक हो, चाहे तिर्यंश गति हो, चाहे नर्क लोक हो, वो सभी गति के अंदर सिर्फ कर्मों का जो फल है वही भुगतान होता है। और मनुष्य के सिर्फ एक ऐसा गति है, मनुष्य का जीवन मतलब मनुष्य की गति एक ऐसी गति है जिसमें आप कर्मों का भुगतान भी करते हैं और उसके साथ से साथ में नए कर्मों का चार्जिंग भी करते रहते हैं। इसके लिए मनुष्य का जो भाव है वो रत्न चिंतामणि जैसा बताया कि मनुष्य का भाव बहुत ही अति अति दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों के अंदर। तो क्या मनुष्य के जीवन के अंदर हमको क्या करना है? स्वगुण प्रोडक्टिविटी, तो क्या हमको खुद का जो स्वरूप है वो जानने का है, बराबर है। और आगे लिखते हैं कि जीव मिट के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। तो कि जीव जब तक मैं कौन हूं ऐसा हमको मालूम नहीं होता है तब तक वो जीव कहा जाता है, उनको जीवात्मा बोलते हैं। और वो जीवात्मा से लेके वो परमात्मा तक की पूरी यात्रा है। मैं कौन हूँ ऐसा हमको मालूम हुआ तब से लेके जब तक वो हमारे अंदर शिव स्वरूप मतलब मैं शुद्धात्मा हो संपूर्ण हो जाता है तो जीव मिट के शिव बन जाता है। ईश्वर जागृत कर दो मतलब मैं शुद्धात्मा स्वरूप को जागृत, मानव से देव बनो। जब तक मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो तब तक हम लोग क्या है? मानव ही है। और तब से जब से हमको मालूम पड़ा कि मेरा नाम हसमुख भाई हसमुख आनंद जी है और मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे मालूम पड़ा तब से लेके वो देव बनने की यात्रा हमारी शुरू हो गई। संपूर्ण रूप से नहीं हुए लेकिन वो यात्रा चालू हुई। तो खुद को ही खुदा कर दो, तो खुद है जो शुद्धात्मा है वो ही खुद को जाने वो खुदा बोलते है। खुदा किसको बोलते है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जो खुद को जानता है। दादा भगवान क्या कहते थे कि जो खुद को जानता है वही खुदा है। तो जब तक हमको मैं कौन हूँ वो मालूम नहीं था तब तक वो क्या था? वो मानव था। और जब हमको मालूम पड़ा मतलब खुद को जाना कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये बार मेरा नाम हसमुख आनंद जी है, तब से लेके वो खुद को जाना तो खुदा बनने की शुरुआत हो गई। तो मानव से देव बनने की शुरुआत, खुद से खुद को ही खुदा कर दो, तो उनकी शुरुआत हो गई है। तो ये पद में पूरे का पूरा जो पद है वो पूरे का पूरा पद जो है कि मनुष्य अवतार की क्या वैल्यू है उनके पर ही पूरे का पूरा ये पद कविरत ने लिखा हुआ है कि जीवन का मूल हेतु स्वगुण प्रोडक्टिविटी, सब सांसारिक सुविधा बाय प्रोडक्ट एंड की गिफ्ट। और तो मालूम है बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट एक मेन प्रोडक्ट होता है और उसके साथ में वो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके साथ में वो बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है। जैसे दादा भगवान उदाहरण देते थे कि हम लोग अगर गेहूं की खेती करेंगे ना, किसकी खेती? गेहूं की खेती करेंगे
तो गेहूं की खेती के साथ में वो गेहूं की खेती के साथ में घास भी मिलता है, वो गेहूं अंदर से निकल जाता है तो उसका जो रहता है वो घास रहता है। तो मेन गेहूं की खेती करेंगे तो बाय प्रोडक्ट में वो घास जो रहती है जो हमारे जानवर लोग को मतलब गाय भैंस को सबको खाने के लिए यूज होता है। तो हम गांव मेन खेती किसकी हमने किया था, घास की खेती किया था हमने, किसकी खेती किया था, गेहूं की खेती किया था। तो बाय प्रोडक्ट में हमको क्या फ्री में मिला, तो क्या घास हमको ऐसे फ्री में गाय को और दूसरे प्राणियों को खाने के लिए गाय हमको बाय प्रोडक्ट में हमको फ्री में मिल गया। तो क्या हमारे जीवन में अगर हम वो आत्मा आत्मा का गुण गाएंगे तो बाकी जो व्यवहार की जो भी चीज है वो आपको बाय प्रोडक्ट में आपका व्यवहार भी ऊपर होता जाएगा और आपको जो जो भी चाहिए वो बाय प्रोडक्ट में मिलता जाएगा। किसमें मिलता जाएगा, ये सब सांसारिक सुविधा है ना, वो बाय प्रोडक्ट में मिलती जाएगी। अगर आप शुद्धात्मा की मतलब आत्मा की भक्ति करोगे तो ये संसार की जितने भी सारे सुख सगवड़ है, संसार के जितने भी सारे सुख सगवड़ है वो आपको बाय प्रोडक्ट में मिलते जाएंगे। किसमें मिलते जाएंगे, बाय प्रोडक्ट में। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट की खेती कर रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट की कर रहे हैं। अभी हम लोग मेहनत बाय प्रोडक्ट की खेती करने में लगे हुए हैं। तो दादा भगवान क्या कहते थे, अगर आप मेन प्रोडक्ट की खेती करोगे मतलब आत्मा का गुण गाओगे जितना जितना, आत्मा स्वरूप में जितना जीरा रहोगे उतनी उतनी ये संसार की सारी सुविधा आपको बाय प्रोडक्शन में ही मिलती जाएगी, धीरे धीरे करके आराम से अपने आप ही आपको जो टाइम पे जो जरूरत होगी वो अपने आप वो आके खड़ी रह जाएगी। ऐसा है। तो हमको अभी क्या करने का है कि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये जो पांच आज्ञा है वो हमारे लिए अभी मेन प्रोडक्ट हो गए। तो अगर इनकी हम कीर्ति करेंगे तो ये संसारी सुविधा जितने भी सारे संसार के सुख है वो हमको बाय प्रोडक्शन में अपने आप ही मिलते जाएंगे। बराबर ना। तो अभी किन की खेती करने का है हमको, मेन प्रोडक्ट की खेती, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ऐसा पूरा अंदर समझाया गया। तो मानव से ये बनो खुद को खुदा कर दो, आपको मालूम पड़ गया। हाँ। ओके। और उसके बाद में जो है मजबूत कर लेना, कुछ बातें याद आए दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभी से दादा को चढ़ा देना, ऐसा है। तो अगर हमको कुछ बातें ऐसी होती है जो उन्होंने हमको गलती किया हुआ है तो अगर हमको याद आ जाती है तो उनका प्रतिक्रमण करके दिल से माफी मांग लेनी चाहिए और उनके प्रति दो आंसू का मतलब वो पश्चाताप के दो आंसू का अभी से वो दादा भगवान को हमको चढ़ा देने का है कि हे दादा भगवान ऐसी ऐसी गलती हमसे हो गई है तो आप हमको क्षमा कीजिए। बराबर ना, ये लोग गलती करते ही नहीं है। हाँ, ये लोग गलती करते ही नहीं है। तो हमको दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा चिन्हय वापस, ऐसे है। अगर गलती नहीं करते है तो हमको दर्शन करने के लिए हमको आना पड़ेगा चेन्नई में, ऐसा है। गलती करते है तो मालूम तो पड़ता है ना हमको कि गलती हो गई कि नहीं हो गई। हाँ। तो जो भी गलती करते हैं और हम अगर उनका प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, कुछ भी गलती हो जाती है, पर गलती होना वो अलग बात है, मगर हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए तो उसके पीछे प्रतिक्रमण होना चाहिए। अगर प्रतिक्रमण नहीं होता है तो वो गलती कितनी खतरनाक है वो हमको उसके अंदाजा नहीं है। मालूम पड़ गया आपको कि अगर हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो मतलब वो गलती की वैल्यू क्या है वो हमको मालूम नहीं पड़ी, इसका क्या पेमेंट चुकाना पड़ेगा उनका कोई हमको मालूम नहीं है। इसके लिए कुछ भी गलती हो जाए चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसके पीछे बोलते ना कि दो आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना, तो उसके पीछे हमारा पश्चाताप रूपी दो आंसू है उनका अभिषेक वो दादा भगवान को हमको चढ़ा देने का, मतलब उसके पीछे प्रायश्चित मतलब माफी अवश्य मांगने की जरूरत है। जितनी जितनी हम गलतियों की माफी मांगना चालू करेंगे, मतलब दादा भगवान क्या कहते थे कि अगर छोटी कुछ भी गलती होती है, छोटे राय के दाने के जैसी गलती,
जब हमको पहाड़ के जितनी बड़ी लगनी लगेगी तब वो गलती जाने की शुरुआत होगी। क्या बोलते थे, छोटे में छोटे, मतलब छोटे राय के दाने की जैसी गलती होए वो हमको पहाड़ के आ रहा है आज इतनी बड़ी गलती हो गई, वो पहाड़ जितनी लगेंगे ना तब वो गलती जाने की शुरुआत होगी। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है लेकिन हम उनको छोटे राय के दाने के जैसे समझ के रख लेते हैं। मतलब उससे उल्टा है, जब तक छोटी गलती हमको बड़ी स्वरूप में नहीं दिखेगी तब तक वो जाने की शुरुआत नहीं होगी। मतलब गलती को, कुछ भी भूल होती है तो उसके पीछे हमारा प्रतिक्रमण चाहिए चाहिए और चाहिए ही, ऐसा बताते हैं। मतलब दो आंसू का अभिषेक वो दादा को, जैसे शंकर भगवान के ऊपर वो पानी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसे आंसू का अभिषेक जब ज्ञानी पुरुष के प्रति होगा तो हमारे सारे के सारे पाप, कितने भी पाप हो गए वो पाप धुल जाएंगे। और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि आप उसमें किसी भी प्रकार के पाप और दोषों से मुक्त हो सकते हो, बाकी कोई ऐसा जीवन नहीं है। अगर आप देव में चले गए तो भी आप दोषों से भूलों से मुक्त हो नहीं पाओगे क्योंकि उसमें पुरुषार्थ ही नहीं है, कुछ दूसरी कोई भी गति के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भोगवटा ही है। तो मनुष्य अवतार की कीमत समझ के हमने जो जो भी गलती किया और गलती हो रही है तो उसका हमको प्रतिक्रमण अवश्य 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 मांगता है। बरोबर है दीपक आनंद जी, कुछ हो तो बताइए आप। नहीं बराबर है, और कुछ नहीं है ना। दीपक आनंद जी, दीपक जी हमको क्वेश्चन है, बोलिए। खुशी और मोनिका, अभी आपको बताया ना कि मेन प्रोडक्ट पे थोड़ा फोकस करने का, वो मेन प्रोडक्ट क्या है वो आपको मालूम है, और आप करते हैं कि नहीं वो मालूम है आपको? प्रोडक्ट हमारी थ्री गोल्स, स्टडीज, हेल्थ, आदत। अस्मु काका जरा बातें करो क्योंकि उन लोग ये उन लोगों को ज्ञान मिल गए चरण विधि नहीं करते हैं। अशोक काका थोड़ी बातें करो। तो आपने वो समर्पण विधि तो लिया हुआ है ना, ज्ञान विधि? हाँ। तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि आप कौन है। पहली दो आज्ञा में क्या बताते थे? पहली दो आज्ञा में क्या है, पहली और दूसरी आज्ञा क्या है? रिलेटिव व्यू पॉइंट सेम है मोनिका हूं, और रियल व्यू पॉइंट सेम है शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा हूं। तो अभी आप कौन हो गए, मोनिका हो गए कि शुद्धात्मा हो गए? शुद्धात्मा। आप शुद्धात्मा हो गए। और रिलेटिव मतलब व्यवहार दृष्टि से आपका नाम, जैसे दुकान के ऊपर लिखा होगा कि भाई मोनिका शॉपिंग सेंटर, बराबर है, और उनके अंदर जो मालिक होगा वो एक होगा कि अलग होगा? नाम और अलग, मालिक अलग होगा। अलग होगा, ठीक। उसी तरह ये दुकान है, दुकान के ऊपर बोर्ड मार दिया कि आप मोनिका हो तो व्यवहार दृष्टि से, लेकिन उनके अंदर जो मालिक है, मालिक कौन है? तो शुद्धात्मा है। कौन है? शुद्धात्मा है। इसी तरह हमको ये दो आज्ञा का अभ्यास करने का है। क्या करने का है? ये दो आज्ञा का अभ्यास करने का है। जहां जहां भी आप देखते हो वहां शुद्धात्मा दृष्टि से देखो। फिर वो चरण विधि हमको दिया हुआ है, वो दादा भगवान को त्रिकाण नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो विधि आप रेगुलर करते जाओगे तो उनका मतलब मेन प्रोडक्ट की आप और प्रोडक्शन करते जाओगे। लेकिन अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, बराबर है, तो आपके लिए ये मेन प्रोडक्ट ये है कि भाई पांच आज्ञा की दृष्टि से हमको एक पढ़ाई करें, और उनमें जो जो भी गलती अगर होती है वो सारे के सारी गलतियों की हम प्रायश्चित करें, तो आपके लिए मेन प्रोडक्ट वो हो गया है कि पांच आज्ञा की दृष्टि से आप देखो और समग्र उपयोग आपका, मतलब दिन में एक बार तो ये विधि है ना वो एक बार पढ़ लेने की है, दादा भगवान को त्रिकाण नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो आप करते हो रेगुलर? नहीं होता ना,
हाँ तो वो क्या है विधि और ये पांच आज्ञा क्या है? तो के ये बीज अंदर जो आपके अंदर डाला गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो पांच आज्ञा और ये चरण विधि उनके प्रति, जैसे कोई भी अगर पौधा होता है तो पौधा के आसपास क्या लगा रहते हैं? वो तार की वाड़ लगा रहते हैं, क्या तार की वाड़ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, हाँ वो लगा रहता है चारों ओर। तो ये पांच आज्ञा और ये चरण विधि वो क्या है? तो हमारे वो रक्षण करते हैं, हमारे अंदर जो बीज रोपा गया है उनके रक्षण के लिए रखा गया है। तो हमारे लिए अभी मेन प्रोडक्ट क्या हो गई? तो कि पांच आज्ञा की दृष्टि से हमारा जीवन जाए और ये विधि नित्य होता जाए, तो मेन प्रोडक्ट की हम उसका प्रोडक्शन चालू हो गया हमारा, जब से ज्ञान मिला तब से, बराबर है? तो अब कैसे उसको प्रोडक्शन को हम बढ़ाए वो हमको देखने का रहता है, बराबर है? दीपकानंद जी आप कुछ कहिए। मेन प्रोडक्ट जैसे आप अच्छी पढ़ाई करेंगे बताया, हेल्थ का करेंगे और सत्संग का करेंगे, तो फिर आपको कभी कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। जैसे वो बोलते कि कुर्सी होती ना, कुर्सी का एक पैया खींचेंगे तो बाकी के तीन आ जाएंगे ना अपने आप। हाँ। तो ऐसा है, ये तीन आप करेंगे वो मेन प्रोडक्शन है, और वो मेन प्रोडक्शन में बाय प्रोडक्शन अपने आप आ जाता है, और उसी के लिए तो ये सब झंझट होती है आपको, तो सभी को होती है, आपको ये तो बात करते हैं, ये बात है। और आप अपने आप से खुश हो? हेलो, सुनाई देता है दादा? सुनाई दे रहा है? यस। अपने आप से आप खुश हो? नहीं नहीं, खुशी तो खुश है नहीं। तो अपने नाम, उसको अपने नाम पर ही वो बहुत खुशी है, नहीं है खुशी? फिर ख्याल में आया? हाँ। तो जाग गए कि अभी जागना बाकी है? जाग गए तो जागे हैं, ऐसा पापा मम्मी को दिखाई देना चाहिए कि नहीं? चलो ओके ओके, लेट्स एक 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 प्रश्न पूछता हूँ, बी फेयर, बोले ना कैंडिड, ओपन एंड फेयर। आप मोनिका, आपको लगता है कि खुशी जाग गई है? नहीं। जागी भी नहीं लगती। चलो ओके, खुशी आपको लगता है कि मोनिका जाग गई है? नहीं। दोनों को लगता है, दोनों सोए हुए, अब क्या करेंगे? अभी तो फिर दोनों को जागने की जरूरत है ना? हाँ। यानी जागने का मतलब है जागृत रहने की जरूरत है, उसके लिए क्या करेंगे तो थोड़ा सोचो, क्योंकि मोनिका तो हायर स्टैंडर्ड में आ गई है, उनको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? आपको लगता है मोनिका जब करती है उनके जैसा मुझे करना चाहिए हार्डवर्क, तो वो हार्डवर्क नहीं करती है? करना चाहिए। नहीं, वो करती है कि नहीं हार्डवर्क? टाइम वेस्ट करती है कि टाइम वेस्ट करती है? दोनों ही करती है, हार्डवर्क भी करती है, टाइम भी वेस्ट करती है। अच्छा, हार्डवर्क भी करती है, टाइम वेस्ट भी करती है। तो आप दोनों सीखते हैं उनके पास? नहीं। अच्छा है, तो अभी इसको ठीक होने की जरूरत है, मोनिका को कि आपको? दोनों को पहले किसको? पहले जो मोनिका को पूछते, पे दो में से पहले किसको ठीक होने की जरूरत है? मुझे से
मुझे बड़े बड़ों को ठीक होना चाहिए पहले कि छोटे को ठीक होना चाहिए पहले? बड़े को होना चाहिए। क्या है, अगर आपका एग्जांपल नहीं बनेगा तो आपके पीछे दो है वो कैसे सीखेंगे आप? बस फिर आप कोई भी एक्सक्यूज देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए बाय मेन प्रोडक्ट आपका हो गया है तो अभी बाय प्रोडक्ट अपने आप होगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट के लिए आपको जो करना है उसको बिल्कुल पक्का कर दो। क्लियर? हाँ। कब हो जाएगा? आज से करूंगी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज आती है? हाँ आती है, आती है। हाँ बदर ने जय सच्चिदानंद, हसमुखानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय जी। थोड़ो शेयर करवाना ऑप्शन आप जी। हाँ ओके, हाँ एक मिनट। बीतनी सामे माथा पछाड़ो सीडी 105-03 आ थोड़ू आ काले लीधु छे लीधु हतु आ आ पद आ पैराग्राफ मा थोड़ू बे लाइन थोड़ू समझावतु छे। प्राकृत गुणो ने स्वभाव रसी पर्याय बुद्धि ना भिन्न छे, नोखी नोखी छे सोनी मन गांठो निश्चेतन भागो सचित्र छे। નિશ્ચેતન ભાગો સચિત્ર છે એટલે શું કહેવા માંગે છે? દીપક આનંદજી, સૌની મન ગાંઠો અલગ અલગ હે, એ તો ગાંઠ પ્રકૃત પ્રાકૃત ગુણો ને સ્વભાવ રસી, પ્રાકૃત ગુણો કા તો મતલબ સમજ મે આયા ના? પ્રકૃતિ કા ગુણ હે, ઉનકા સ્વભાવ કા મતલબ હે वो जो गुण है ना उसके प्रति अपना आग्रह को स्वभाव बोलते हैं। हाँ ये ख्याल में आया? हाँ हाँ वो तो अलग अलग है, वो सबके पर वो अलग है पर्याय जो है उनके उनके जो नहीं पर, वो पर्याय बुद्धि ना भिन्न या ना सबकी मान्यता अलग है ना, और क्या बोलते एनालिसिस अलग है, आशय अलग है, एक को ये अच्छा लगता है दूसरे को दूसरा अच्छा लगता है, सही है? और अलग अलग मन की गांठ है यानी मान्यता अलग है। और निश्चेतन भाग, निश्चेतन निश्चेतन भाग यानी बॉडी, बॉडी है ना सबका, जो चेतन नहीं है ना उसमें अंदर है चेतन, बॉडी में चेतन नहीं है, बॉडी तो मैकेनिकल है ना, इसीलिए उसे निश्चेतन बताया। सचित्र है यानी जो दिखाई देता है, सचित्र मतलब जो दिखाई देता है। हाँ जो दिखाई देता है, ऑब्वियसली विजिबल बोलते ना। अच्छा तो वो दिखाई देता है तो क्या कहना चाह रहे हैं कबीराज जी की, मतलब दिखाई देता है तो वो उसे क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में जो दिखाई देता है? आनुवंशी आगे का वो रेफरेंस से पता करता है ना, टेवो ने खासियत बाढ़ मां अवतर से आनुवंशी की, यानी आप जैसा करेंगे माँ बाप जैसा करेंगे वो बच्चों में आएगा। वातावरण नी मात्र असरो अंकाय छे चित्रपटे, यानी जो माहौल है अड़ोस पड़ोस का जो माहौल है वो चित्रपट यानी आपको दिखाई देगा। माँ बाप को पहचानना है तो बच्चों को देख लो, ऐसा बोलते हैं ना। और फिर आगे बताया है कैसा है सभी की प्रकृति की कैसे है, ख्याल में है ना? ये तो मतलब कि जो है वो कि जो बाहर जो दिखता है वो जो है वो, जो अंदर का जो है वो बाहर दिखता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? कभी मुझे समझ में वो तो है, लेकिन मेन क्या है जो बड़े लोग जो करते घर में बुजुर्ग लोग
वही उसी को लोग छोटे फॉलो करते हैं ना, वो बताना चाहते हैं। और वो बाहर भी दिखता है, वो निश्चय सचित्र ऐसा बता रहे हैं, बाहर दिखता है। हाँ जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, पेलो प्राकृत स्वभाव ए तमे कीधु ने के पेलो स्वभाव आत्मा ने लागू पड़े के पछी? ना ना, प्राकृत स्वभाव एटले प्रकृत मन वचन कायानी टेवो अने तेना स्वभाव ने हूँ जानू छू ने मारा स्व स्वभाव ने पी जानू छू ई जे आवे छे ने टेवो एटले सा चालो, तमने कॉफी पीवानी टेव होय तो तमारा पुटी बराबर छे, पण जरे तमे बीजाने पण आग्रह करो ने बीजाना माटे पण आग्रह राखो तो ये तमारी प्रकृतिनो स्वभाव कहेवाय। अच्छा, हवे आग्रह जई शके छे, टेव तो के ने लाकड़ा मां जाय એ નુકસાન કરતા નથી, પણ તમારો સ્વભાવ છે ને તમને વારે ઘડી પીવડાવે કરાવે, એટલે જો સ્વભાવ જતો રહ્યો તો તેવો હરકત કરતા નથી એમ કરીને કીધું છે। કોઈની ટેવો કોઈને હરકત કરતા નથી, પણ સ્વભાવ હોય ને એટલે પોતે પણ કરે, ખેંચ રાખે ને બીજા પાસે અપેક્ષા રાખે તમારે એમ કરવાનું, એટલે એમાં પછી ઝઘડો થાય, વાંધા પડે, કારણ કે દરેકે પોતાની રીતે રહેવું હોય અને હું આગ્રહ રાખું તમારે આમ કરવાનું, એટલે સ્વભાવ મોડો પડે ને ધીરે ધીરે કરીને મોડો પડે અને પછી જતો રહે। અચ્છા, પછી તમારો ટેવોનો ભાગ રહે ને એટલે એ તમને હરકત કરતા નથી અને બીજાને હરકત કરતા નથી રહેતા। કારણ કે તમારી ખેંચ પકડ જતી રહી એ બાબત માટે, પેલા કે તમારે આમ કરવું પડશે, પછી કે છે આ મોડો પડ્યો હોય તો કે જોજો થાય તો સારું, નહીં તો પછી બરાબર છે બરોબર, અને પછી તો કે છે જ નહીં, તમને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો। અચ્છા, એટલે જતું રહ્યો બરાબર। ચાલો, કોણ? હા બોલો। સ્વભાવની માથાકૂટ છે, ઘરમાં હોય તો આ પ્રકૃતિ સ્વભાવ એકબીજાના પર લાદવાનો પ્રયત્ન કરે, હા પછી સાથે હોય કશે પણ ગ્રુપમાં હોય તો એકબીજાને એ લાદવાનો પ્રયત્ન કરે, ને ના કરે તો ઝઘડો થાય, ખેંચાખેંચી થાય, પકડ થાય સ્વભાવને લીધે। સ્વભાવને ઝઘડા છે, સ્વભાવ ગયો તો પછી ભગવાન જ થઈ ગયા, એટલે કે સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું, એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું ને, આ સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું, કારણ કે હું સ્વ પર પ્રકાશક છું ને, પ્રકૃતિની ટેવો એનો સ્વભાવ અને મારો સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું, કારણ કે ટેવો અને સ્વભાવ એ પર છે ને, એ પર છે ને, મારો સ્વ સ્વભાવ એ મારો પોતાનો શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ છે। આપણી જે ભૂમિકા છે ને, પુરુષાર્થની ભૂમિકા, એ પુરુષાર્થની ભૂમિકા જોવાના ધોરણે છે, જોવાના એટલે સમજવાના ધોરણે છે, શું સમજવાનું, વ્યવહારને સમજવાનો હમણાં આપણો આખો પુરુષાર્થ છે, કયા વ્યવહારનો સમજવાનો, તો આ હસમુખ આનંદના વ્યવહાર, કારણ કે હસમુખ આનંદના વ્યવહારથી મુક્ત કૃપાથી થયેલા છે
પણ એના આખા સંચાલનમાં અને સંચાલનની અવસ્થાઓમાંથી મુક્ત નથી થયેલા, એની અસરો થાય છે. અસરો થાય એટલે આને આમ કર્યું, પેલા આમ કર્યું, આને આમ ના કરવું જોઈતું, આને ખોટું કર્યું, એવું બધું થયા કરે છે. કારણ કે પેલા કોઈ કરતા જ નથી. હસમુખ આનંદ જોડે જે કોઈ જે જે કરે છે તે હસમુખ આનંદ જ હસમુખ આનંદ જોડે કરે છે. કેવી રીતે? તો કે ભૂતકાળમાં જે હસમુખ આનંદ વ્યવહારથી જે વ્યવહાર બહાર ગયેલો અજ્ઞાનતાથી, ત્યાં પાછો રિટર્ન થાય છે. પછી એ પુણ્ય સ્વરૂપે હોય તો સુખાકારી પાછું રિટર્ન થાય, અને પાપ કર્મ સ્વરૂપે હોય તો દુઃખાકારી રિટર્ન થાય છે. પણ એ બંને આ મન વચન કાયમથી ગયેલી વસ્તુ જ પાછી રિટર્ન થાય છે. હવે કોને બૂમ પાડવાની? આ તો જે ગયેલું તે પાછું આવે છે, રીબાઉન્ડ થાય છે એમ કહીએ ને. એટલે પછી કશું કોઈને કેવા કરવાનું રહ્યું નહીં ને. અને કેવાનું તો હું કોને કહીશ? એનું કારણ તમે બહુ ખોટું કરો છો એમ કરીને હું કહું. પહેલી વાર હસમુખ કારણ પોતે કરતા નથી, એમને મારો હિસાબ એટલે મારું વ્યવસ્થિત હસમુખ આનંદ પાસે કરાવે છે. ભગવાનને કાનમાં બરું ઘોસાયા તે એ પીડાથી ભોગવટાથી એમને તરત એમની ભૂલ દેખાઈ ગઈ. જો એટલે શું કહેવાય, શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ જે છે એ પ્રકાશે વર્ધમાન સ્વામીનો ભૂતકાળ બતાડ્યો. બરાબર છે, વર્ધમાન સ્વામીનો વર્તમાન બતાડ્યો એટલે ભૂતકાળમાં જે વર્ધમાન સ્વામી બહાર ગયેલા તે આજે વર્ધમાન સ્વામી પાછા ઘરે આવ્યા. બરાબર, અને એમણે પોતાને પણ જોયા કે આજે જોઈ લીધું.